it up. What do you say? If you want, you want or what? Yeah, I want. I wait you 30 minutes, I want. Okay, if you want, you wait here. If you want to talk. I want. I don't want to talk with you. If you do want. Saya toh se mau cakap sama awo. Okay, you wait here. Yeah, okay. Why are you not moving? I'm explaining to you. You can hear or not? I don't want to hear you. I already take information. Stop. This, sir, can stop. You talk also, slowly. You talk also. I slowly. Am your customer. Okay. You can talk. You cannot talk with me like this. You want to record? You record. You cannot talk with me like this. Okay. You want to record? You cannot talk with me like this. You want to record? You record. Yeah, I record because of my safety. Okay. You record. You just record. Sir, can you move? You apologize to me. No, I cannot. No, never mind. Okay. Okay, I also stay here. I don't have any problem. Move your leg, love. Chalo yaar, bag thoda air con de enjoy kare. अच्छा जी, 30 मिनट हमने वेट किया इस टैक्सी ड्राइवर का। 30 मिनट बाद ये बंदा आया, आते ही इस बंदे ने ऐसे बोलना स्टार्ट किया जैसे पता नहीं क्या चीज़ है, क्या बुलाया उसको। मैंने सिंपली एक वर्ड में कहा कि यार मैंने आपसे बहस नहीं करनी, आपको बोलने का तरीका नहीं है, मैंने ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन वहाँ से जहाँ से लेनी थी वहाँ से मैंने ले लिया। अच्छा जी, वो बंदा गाड़ी में बैठ गया, जाना है कि नहीं जाना, ये है वो है, एसी गाड़ी का बंद कर दिया और बंदा फुल टाइम माहौल दिखा रहे हैं। चलो दिखाओ। सर, वाई आर यू नॉट मूविंग? आई एम लेट। जी तो बैकपैकर 91 की पब्लिक, ये टैक्सी ड्राइवर यहाँ से हिलने का नाम नहीं ले रहा था और मुझे यहाँ पे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। उसकी रीज़न ये थी क्योंकि इसने टैक्सी के अंदर म्यूज़िक प्ले किया हुआ था, तो मैं इससे बात करने की कोशिश कर रहा था लेकिन ये बंदा मुझे जवाब नहीं दे रहा था, तो मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा क्योंकि सिर्फ पीछे म्यूज़िक चल रहा था और ये बंदा बैठ के मोबाइल प्ले कर रहा है अपना। और हमारी राइड स्टार्ट थी, 40 मिनट हमने पहले इस ड्राइवर का वेट किया और उसके बाद ये साइड पे गाड़ी खड़ के बैठ गया। अब अंगना पो तू तबगी लागी पापोलो मिनट डस आया तुंगू वो सुडा सांपाए डुड्डा डालम करेतो अवस्तोप करेतो मानो तबगी नापो तू तबगी लागी अबांग। सर, आई एम टॉकिंग विद यू सर। अच्छा जी, मैं आपको टैक्सी का नंबर भी दिखाता हूँ, ठीक है। इस टैक्सी में मलाका में स्पेशली आप लोगों ने बिल्कुल भी ट्रैवल नहीं करना, ठीक है जी। पकड़ सारा सामान पकड़ नीचे से। मैं आपको ये टैक्सी का भी दिखाता हूँ पुलिस वाले। सर वेट 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 व्हाई यू आर रनिंग योर कार? देख रहे हैं इस बंदे को, इसके कहते देख रहे, इसकी शक्ल भी देखे। आई ऑलरेडी गेट आउट बाय। ये है जी इस कार का नंबर। चलो जी, अच्छा जी, ये बंदे ने हमें, हम उतर गए हैं अभी टैक्सी से, मैंने पुलिस वालों को भी फ़ोन किया। अब देखिए पुलिस वाले आते हैं नहीं आते, क्या वो करते हैं सिस्टम। खैर, ये वीडियो तो इस बंदे की आज मैं वायरल करूंगा। हाँ जी भाई जी, हाँ जी भाई जी, क्या जूते अब्बा किया है इन्होंने? भाई चूतिया एक नंबर का यार। मैंने उसको यही कहा ना कि मैंने तेरे साथ बहस नहीं करनी, हमने पॉलिसी देख ली है, हमने पॉलिसी देख ली, हमें तेरे से बहुत उसकी बोलने का तरीका ले ला 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 ला। चलो धमका रहा तो हुआ कि नहीं सीधा। पुलिस वाले को पता क्या कह रहा था? कह रहा था कि मुझे डर रहा है कि इन्होंने मेरी वीडियो रिकॉर्ड किया, ये वायरल कर देंगे।
तो तुझे पहले खौफ होना चाहिए, तुझे पहले खौफ होना चाहिए था ना। हमें तो अपनी जिंदगी का डर था तो हमने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है। हम लोग तो टूरिस्ट हैं, हम लोग तो जी देखिए टूरिस्ट हैं, हम लोग तो यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं। 40 मिनट हम लोगों ने यहाँ पे खड़े होकर वेट किया है, 40 मिनट बाद एक रैप आई है। आने के बाद यार ये मलेशियन जितने तमिल होते हैं ये सारे ऐसे हैं, मैं सबको गंदा नहीं कहूंगा लेकिन यार कम से कम ये जो मलेशियन जो यहाँ पे हुक्मरान है उनको कम से कम यार ये जिनको आपने नेशनल दी हुई है कम से कम इनको थोड़ा सा सिखाएंगे इन्होंने टूरिस्ट के साथ कैसा बिहेव करना है, टूरिस्ट के साथ इन्होंने कैसे बात करनी है, कैसे सारा सिस्टम होना है। अब हम लोग यहाँ पे देखें, हमने 6 बजे अपनी राइड बुक करवाई थी और ये 7 बज रहे हैं, ठीक है। और मलेशिया के अंदर हमारे साथ ये चौथा ऐसा हैपन हो रहा है, कल हुआ है होटल वाला, आज ये हो गया टैक्सी वाला। ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये इसी वजह से हो रहा है कि आप लोग ढीले हैं जी। यहाँ पे तो ये टूरिस्ट के साथ ऐसे रिएक्ट करते हैं कि ये गैंगस्टर हैं, कि इन्होंने पूरा मलेशिया खरीदा हुआ है, हम लोग यहाँ पे पैसे दे के आए हुए हैं। तो खैर देखिए, मैंने पुलिस वाले से बात की है, पुलिस वाले ने कहा कि जी आप टैक्सी से उतर जाएं, ठीक है, और राइड उसने कैंसिल कर दिया, आप टैक्सी से उतर जाएं। तो अभी तो हम लोग टैक्सी से उतर गए हैं, नेक्स्ट अब देखें क्या सिचुएशन बनती है, क्या सिस्टम होता है, आगे हम आपको अपडेट देते हैं जी। तो बैकपैकर 91 की पब्लिक, आप लोग देख रहे हैं कि हम लोगों ने लास्ट क्लिप में आपने देखा होगा कि हमने अपनी ग्रैब लीव की थी, पुलिस को भी कॉल किया, इवन पुलिस भी नहीं आई। और वो जो ग्रैब वाला है स्पेशली हम लोग वॉक करके गए हैं, तकरीबन कोई 1.5 किलोमीटर आगे आ गए हैं ना, और वो बंदा स्टिल हमें फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो ये वीडियो हमारी रिकॉर्ड प्रूव है कि खुदा ना खासा इस सिटी के अंदर मेरे दोस्त के साथ ही वही नहीं है, मेरे दोस्त के साथ या मेरे साथ वही है, नहीं मेरे साथ या मेरे दोस्त के साथ इस सिटी में कोई भी हैपन होती है तो वो रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है, इसका जिम्मेदार वो टैक्सी वाला होगा। लिटरली वो एक तो होता है ना, चलो यार रोड उसने क्रॉस कर रहा है, 1 किलोमीटर बाद उसका ये रास्ता होगा, जा रहा होगा, वो स्पेशली बंदा हॉर्न दे के गया, जो बात है 6 से 7 दफा पी 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 हॉर्न मेन रोड के ऊपर हॉर्न दे के गया कि लाइक वो मिस्केट फील करवाना चाह रहा है, मिडिल फिंगर दे के गया, वो आगे से उंगली दिखा के गया। तो बैटरी मेरे फोन की अभी थोड़ी सी लो है और हम लोगों को मजबूरन अभी कोई ग्रैब भी नहीं मिल रही और हम लोग वॉक करके अपने हॉस्टल की तरफ जा रहे हैं जिसका डिस्टेंस बनता है 3 किलोमीटर का। पुलिस को भी कॉल किया, स्पेशली ग्रैब से भी उतर गए हैं, पुलिस भी नहीं आई ना, पुलिस ने दोबारा रिस्पॉन्स किया। खैर अभी आगे देखते हैं क्या बनता है।